बहुत मजे का प्रोजेक्ट है, बहुत मेरे प्यारे लोग, करीबी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। ड्रामा कर लिया, देखिएगा आपको मजा आएगा। मैंने हमेशा आखिरी एपिसोड दिखाया है लोगों को सिनेमा में। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि इस बार पहले दो एपिसोड्स दिखा दो। टीवी में जो वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास है उनकी लिस्ट में ये डेफिनेटली शामिल होगा। हुमायूं भाई के अलावा ये कैरेक्टर कोई कर ही नहीं सकता था। इसकी इतनी हाइप क्रिएट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी मेगा स्टार कास्ट है, हमारे मुल्क के लिए है, तो हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं अजान समी खान, और अजान समी खान इस वक्त मौजूद हैं जेंटलमैन की स्क्रीनिंग पर। क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम, बस यही कहूँगा कि बहुत सारी दुआएं और खुशियाँ हैं टीम के लिए। बहुत मजे का प्रोजेक्ट है, बहुत मेरे प्यारे लोग, करीबी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह बहुत तरक्की। ड्रामा कर लिया, देखिएगा आपको मजा आएगा। एक डिफरेंट रोल है, मजेदार है, और इसमें कमाल राइटिंग, इसमें कमाल डायरेक्शन, इसमें कमाल बाकी अदाकारों का, कहीं मैं भी चमक जाऊंगा उनके। आपका जो किरदार है काफी डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसा हुलिये से, कि आपने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं किया। जब आपके पास ये आया, कितने उतना ही एक्साइटेड हुआ जितना सब इस रोल के लिए, इस सीरियल के लिए एक्साइटेड थे। एंड आई वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस सीरियल। अल्हम्दुलिल्लाह आया मेरे पास तुम हो के बाद जेंटलमैन के जरिए छाने वाले। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बस मेहनत हम सबने बड़ी की है, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। हुमायूं सईद, ये बताइए एक बार फिर आप स्क्रीन पर छाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो प्रीमियर हुआ है ये इसलिए हुआ है कि लोगों को, यू नो, मैं चाहता हूँ कि मैंने हमेशा आखिरी एपिसोड दिखाया है लोगों को सिनेमा में। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि इस बार पहले दो एपिसोड्स दिखा दूँ। नर्वस है कुछ? नहीं, मैं नर्वस नहीं होता, नर्वस मैं फिल्म के ऊपर ज़्यादा होता हूँ। अच्छा। ड्रामे पे इतना नहीं हूँ, क्योंकि दो दिन बाद ड्रामा चलना है। हाँ। और वैसे भी ये पूरी फिल्म ही दिखाई जा रही है, एक ड्रामा है, और मैं चाहता हूँ लोग इसको देखें सिनेमा पे, एक अलग एक्सपीरियंस है, मैं भी एंजॉय करूं, वो भी एंजॉय करें। जेंटलमैन उसके टीजर और ट्रेलर से आप सबको पता लग ही गया होगा, एक बहुत मुनफरिद प्रोजेक्ट है, और उम्मीद ये की जा सकती है कि टीवी में जो वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास है उनकी लिस्ट में ये डेफिनेटली शामिल होगा। हुमायूं भाई के अलावा ये कैरेक्टर कोई कर ही नहीं सकता था, जेंटलमैन। जब आप ये नाम सुनते हैं और फिर आप ये इसका पोस्टर देखते हैं, तो लगता है कि आप सोचें कोई और ऑप्शन, तो आप कहते हैं नहीं, उनकी जगह कोई और नहीं कर सकता। हुमायूं से जो ताल्लुक़ है या समीना भाभी से जो ताल्लुक़ है, वो बहुत पुराना ताल्लुक़ है, तो जब उन्होंने कहा कि नहीं इस पे आना है, तो मैंने कहा यस ज़रूर आएंगे, बिकॉज इसकी इतनी हाइप क्रिएट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी मेगा स्टार कास्ट है, और पूरा पाकिस्तान आई थिंक वेट करता है जब इस तरह का कोई भी बड़ा ड्रामा आता है। मैं सबसे पहले बेस्ट विशेस कहूँगी, और यमुना के साथ ही मैंने काम किया है, और बाकी जितने सबों के साथ मैंने काम किया, आई थिंक हुमायूं के साथ मैंने काम नहीं किया, सना शाहनवाज जो कि प्रोड्यूसर हैं उनके साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और काफ़ी मेजर मेरे जो हिट प्रोजेक्ट्स थे वो सना की प्रोडक्शन से थे, तो उसको मैं बेस्ट विशेस कहना चाहूँगी। जितनी भी टीम है सबको बेस्ट विशेस कहना चाहूँगी, बिकॉज यमुना इज़ क्लोज टू माई हार्ट, उसके साथ मैंने राज़े उल्फत और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो यमुना और मैंने काफ़ी काम किया है, लाइक जब वो बहुत छोटी थी, जब मैं बहुत छोटी थी, सो शी इज़ लाइक अ फ्रेंड टू मी। मैं यही कहूँगी कि ग्रीन चैनल के ड्रामास लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये एक खूबसूरत इजाफा है ग्रीन चैनल की स्क्रीन पर, और बहुत ही खूबसूरत कॉम्बो है आर्टिस्टों का भी, और एक रोम कॉम भी है, एक्शन भी है, थ्रिल भी है, और हुमायूं के प्रोडक्शन के ड्रामे वैसे बहुत अच्छे होते हैं, और हमें यकीन है कि ये एक और ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर होगा। मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इनकी प्रोडक्शन के साथ भी, और आज क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए है, तो हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, वी आर हेयर टू सपोर्ट देम, और मैंने जो ट्रेलर देखे वो बहुत अच्छे थे, तो हम सब अप्रिशिएट करने आए हैं। ऑल द बेस्ट टीम। आई बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन, और हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी कहानियों की, अच्छे प्लेस की, तो जेंटलमैन मैंने जितना भी उसको देखा टीजर्स में, क्लिप्स में, मुझे बहुत पसंद है। खलीलुर्रहमान कंवर साहब ने लिखा है, तो वो इंतज़ार करते हैं, मुझे उनके लिखे हुए डायलॉग्स बहुत पसंद है, मगर जब आप हमारा प्ले देखेंगे जर्द पत्तों के बन, तो उसको भी मुस्तफा अफरीदी ने बहुत अच्छा लिखा है। हमें तो मालूम है कि आपके ड्रामे में कौन कौन से एक्टर हैं, आप जरा देखने वालों को खुद बताइए। देखिए, उसके लीड कास्ट पे है सज्जन अली, और उसके साथ आपको पता है प्ले कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट टाइम हमजा सुहेल। अच्छा। तो बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। उसके अलावा अदनान शाह टीपू है, अली ताहिर है, समिया मुमताज़ है, रेहान शेख है, जर्द पत्तों के बन में, जिससे आपको पता है सज्जन अली का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमजा सुहेल पहली बार दोनों की पेयरिंग नज़र आएगी। उसके अलावा रेहान शेख है, अदनान शाह टीपू है, अली ताहिर है, समिया मुमताज़ है, मैं हूँ,
और बहुत से नए लोग इसके अलावा आपको नजर आएंगे। चलें ठीक है, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। और अपने कैरेक्टर का नहीं बताया? मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कहानी, जिस तरह टीजर्स में लोगों ने देखी कि कुछ वुमेन चाइल्ड हेल्थ के बड़ा सेंसिटिव सा कंटेंट आएगा, क्योंकि कश्यप फाउंडेशन और एमडी प्रोडक्शंस का एक कोलैबोरेशन है। तो इंशाल्लाह लोगों को कहानी बहुत पसंद आएगी, सीन स्क्रीन बहुत पसंद है, क्योंकि बहावलपुर में हमने उसको शूट किया है और मैं आज ही बहावलपुर से वापस आई हूँ। चलें जी, दोनों ड्रामों के लिए बेस्ट विशेस और अल्लाह करे कि आपका ड्रामा भी बहुत कामयाब हो। इंशाल्लाह जेंटलमैन और जड़ पत्तों के बंद दोनों संडे को आ रहे हैं, तो आपका वोट बहुत जरूरी है।